Students, welcome back on Mohri Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss about a poem. Title is Thoughts in a Garden, which is written by Andrew Marvell. So, this particular poem is in BA First Year Student Syllabus of MDS University of English Literature Paper 1. But it's also important for every literature student. So, let's begin with the short summary of Thoughts in a Garden. Thoughts in a Garden is a poem by Andrew Marvell. Andrew Marvell's lifespan is 1621 to 1678. Thoughts in a Garden meaning is life in a nature. So obviously this is a nature poem. Marvell was a great metaphysical poet and a good friend of John Milton. John Milton was also a great poet and known for his great poem Paradise Lost. Commonly known for his poem, who? Andrew Marvell. Commonly known for his poem, to his coy mistress. It is a love poem. It is a beautiful love poem to his coy mistress, which is written by Andrew Marvell. And it is a great poem of Andrew Marvell. So he is commonly known for his poem to his coy mistress. Theme of this poem is garden is the perfect place for physical, mental and spiritual comfort and satisfaction, unlike the society where pleasure is false and temporary. Obviously, society where the pleasure is false and temporary, we know very well. This poem criticizes the men and society who work hard for temporary happiness and public recognition. This poem published in 1681 about in miscellaneous poem. So this poem published posthumously means this poem published after his death, after Andrew Marvell's death, because he died in 1678 and this poem published in 1681. So I hope you understand what is the going in this poem. Dekho, ye jo poem hai, इस पोएम का नाम है थॉट्स इन अ गार्डन, जो एंड्रयू मार्वेल ने लिखी है. ये पोएम स्पेशली बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के, जो अजमेर में यूनिवर्सिटी है, उसके सिलेबस में है. और ये जो पोएम है बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, सभी लिटरेचर स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस पोएम के थ्रू पोएट ने बताया है कि ये जो सोसाइटी है उसमें लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं उसका उन्हें कुछ पता नहीं. सिर्फ थोड़ी सी खुशी के लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं. उनको नहीं पता है कि रियलिटी क्या है लाइफ की. इस पोएम में जो पोएट है हमारे एंड्रयू मार्वेल, उन्होंने यही चीज़ बताई है. अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो उन्होंने यही बताया है कि सारे मनुष्य, सभी व्यक्ति बस थोड़ी सी हैप्पीनेस, टेम्प्ररी हैप्पीनेस के लिए फालतू में वर्कलोड ले रहे हैं और काम करे जा रहे हैं. उनको बस थोड़ी सी लोगों से बड़ाई चाहिए, अपनी पहचान चाहिए इस ज़िंदगी में, इसलिए वर्कलोड लिए जा रहे हैं और हार्ड वर्क किए जा रहे हैं. जबकि लाइफ की रियलिटी ये है कि हम सबको मरना है, तो हम क्यों थोड़ी सी खुशी के लिए इतनी मेहनत करें. हमें नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. हमें जो एक्चुअल जो हैप्पीनेस है वो नेचर में मिलेगी. इस पोएम के थ्रू पोएट यही बोलना चाह रहे हैं. देखो एक बार फिर से आप समझ लो, जो एंड्रयू मार्वेल हैं वो एक मेटाफिजिकल पोएट है. मेटाफिजिकल क्या होता है, मेटाफिजिकल पोएम क्या है और पोएट्री क्या होती है, मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन है, इस पर मैं स्पेशली वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं. इनका लाइफ स्पेन था 1621 से 1678 तक. 78 में इनकी डेथ हो गई थी और ऐसा माना जाता है कि ये जो पोएम है ये इनकी डेथ के बाद अबाउट 1681 में पब्लिश हुई, जो कि इनकी वाइफ थी मैरी मार्वेल, जो इनकी विडो थी बाद में, ऑब्वियस इनके मरने के बाद, उसने जो इनकी पोएम्स है वो प्रेस को दी थी जो है छापने के लिए, ऐसा माना जाता है. तो इनकी जो ये पोएम है थॉट्स इन अ गार्डन, इसका मतलब है, आप सबको अगर आप देखें एक एक वर्ड को, थॉट्स मतलब विचार, इन अ गार्डन एक गार्डन में. गार्डन इज़ अ सिंबल ऑफ नेचर ब्यूटी. ऑब्वियस बात है कि जो गार्डन है वो नेचर ब्यूटी का सिंबल है, लाइफ इन अ नेचर, है ना. तो ये जो पूरी पोएम है इसमें आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मार्वेल का जो है पर्सनल अटैचमेंट भी है ना, तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हो गया इसमें.
और ये बताना चाह रहे हैं कि नेचर में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, वो हमारा माइंड कैसे सेट कर सकती है। नेचर कितना ब्यूटीफुल है, आप उसे फील करो। लाइफ इन अ नेचर, एक्चुअल जो हमारी लाइफ है वो तो नेचर में ही है। थॉट्स इन अ गार्डन, अच्छे जो विचार हैं वो गार्डन में ही आ सकते हैं। सब कुछ जो अच्छे काम है वो नेचर में हो सकते हैं। नेचर के लिए तो इन्होंने इस पोयम में कुछ बिब्लिकल जो गॉड्स हैं उनका भी नाम दिया है, जो बाइबल में जिनका जो है आता है, बिब्लिकल एल्यूशन दिए हैं उनका भी नाम दिया है। जैसे एडम ईव, आप सब जानते हैं एडम ईव को, उनके बारे में बताया है इन्होंने, अपोलो के बारे में बताया, अपोलो पेन के बारे में बताया। तो जब हम पोएम का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उनके बारे में बताऊंगी, पर अभी मैं आपको शॉर्ट समरी बता रही हूँ। तो उनका भी उन्होंने जो है उसमें एल्यूशन दिया है कि ये जो गॉड थे वो भी लास्ट में उनको प्रकृति में ही आना पड़ा, नेचर में ही आना पड़ा, इधर उधर भटके हर जगह अपने प्यार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, पर लास्ट में वो नेचर के पास ही आए। उनको जो शांति है वो नेचर में आने के बाद ही मिली। उनकी जो जो आप बोल सकते हैं कि ब्यूटीफुल जो उनके विचार है वो नेचर में आने के बाद ही हुए, मतलब उनका उनको भी आना पड़ा, गॉड को भी। तो हम लोग तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हम लोग तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं। तो हमें अगर अच्छी और रियलिटी में खुशी तलाशनी है तो हमें नेचर के पास आना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। तो इस पोएम में पोएट जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोसाइटी और मैन को, वो सोसाइटी जो क्या करती है, हु वर्क हार्ड फॉर टेम्पररी हैप्पीनेस, जो थोड़ी सी खुशी के लिए इतना वर्क कर रही है, इतना वर्कलोड ले रही है, इतना वर्क हार्ड कर रही है, एंड पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन, और सिर्फ अपनी जान पहचान बनाने के लिए पब्लिक में हम लोग इतना वर्कलोड ले रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इस पोएम में जो है पोएट हमें नेचर से प्यार करवाएगा, ठीक है, हमें फील करवाएगा कि सच में हम गलत कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ी सी खुशी के लिए हम कुछ भी करते हैं, हम पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन के लिए कुछ भी करते हैं। इसके फर्स्ट स्टेंजा में जैसे इन्होंने तीन पेड़ है ना उनका सिंबल दिया है, ओक ट्री का, लॉरल ट्री का, है ना, इन्होंने तीन पेड़ों का सिंबल दिया है कि जो ये पेड़ हैं वो क्या करते हैं। जैसे ओक ट्री का दिया है इन्होंने, पाम ट्री का दिया है, और बे या लॉरल ट्री का दिया है। इन तीन पेड़ों का सिंबल दिया है कि ये जो है आपको इस इनकी जड़ों से, इनकी रूट से जो ताज बनते हैं, क्राउन बनते हैं, सिर्फ उस क्राउन के लिए आप अपने मन की अच्छाइयों को भूल जाते हो। देखो यहाँ सिंपल सा इनका मीनिंग यही है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी पब्लिक पहचान बना लेगा, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन बना लेगा, फेमस हो जाएगा, उसमें प्राउड आए बिना नहीं रहेगा। सिंपल बात है कि अगर हम बहुत फेमस हो जाएंगे तो हमारे में प्राउड आए बिना नहीं रहेगा, फिर हम लोगों के साथ मिसबिहेव ही करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग है ना, इनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि आप कुछ भी करो पर आपका जो लेवल है वो आप बिल्कुल सही रखो, डाउन टू अर्थ रहो, अपने आप में प्राउड फील, मतलब प्राउड तो आप, मैं बोलूँगी कि पॉजिटिव वर्ड है, एरोगेंस नहीं आना चाहिए आप में, आप एरोगेंट नहीं होने चाहिए हो, आप अपना लेवल सही रखें, आप सबके साथ एक जैसा बिहेव करें। इस पोएम के थ्रू ये बता रहे हैं बर्ड। अब हम इसका थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कुछ एक दो स्टेंजाज कवर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो आप इस पोएम को या तो आप गूगल पे करो तो आपको द गार्डन नाम से पोएम मिल जाएगी, उसका टेक्स्ट मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप निकाल लो, आई होप आपने निकाल लिया होगा। पोएम द गार्डन बाय एंड्रू मार्वल, उसका टेक्स्ट आ जाएगा आपके पास। देखो How vainly men themselves amaze, हम फर्स्ट स्टेंजा आज कवर कर लेते हैं। How vainly men themselves amaze to win the palm, the oak and bays, मैंने आपको बताया था कि तीन पेड़ के इन्होंने नाम दिए हैं जो एंड्रू मार्वल हैं। तो how vainly men themselves amaze to win the palm, the oak or bays, कि लोग कितने पागल हुए जा रहे हैं। How vainly men themselves amaze, खुद लोग जो है अपने आप को कितना उन्होंने पागल बना लिया है, वो क्या कर रहे हैं, टू विन, जीतने के लिए, किस किस को, पाम, ओक और बेज ट्री को जीतने के लिए, है ना, इन पेड़ों को जीतने के लिए उन्होंने अपने आप को कितना पागलपंथी अपने में सवार कर लिए लोगों ने। ऐसा माना जाता है कि जो पाम ट्री है वो मिलिट्री वर्चू के लिए मिलता है, मतलब जो पाम से बना हुआ जो क्राउन है वो मिलिट्री वर्चू को मिलता है, और ओक से बना हुआ स्विस वर्चू को मिलता है, और बे या लॉरेल ट्री
पोइटिक वर्क के लिए मिलता है, पोइटिक वर्च्यू के लिए मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक तरह से यहाँ बता दिया कि जो मिलिट्री में लोग हैं, जो सिविस लोग हैं, जो पोएट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए और अब दुनिया में खुद को फेम पाने के लिए, है ना, प्रसिद्धि पाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। हाउ वेनली मैन देमसेल्स अमेज टू विन द पाम द ओक और बेज, है ना, लोग क्या कर रहे हैं, विन द पाम, पाम का मतलब जो ट्री है वो पाने के लिए, यहाँ पर्टिकुलर ट्री से मतलब ट्री का नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि ये सिंबॉलिक मीनिंग है, यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग से समझ आ रहा होगा आपको कि जो पाम ट्री है उससे बना हुआ जो क्राउन है वो मिलिट्री वाले लोगों को पहनाया जाता है और ओक ट्री से बना हुआ जो क्राउन है वो पहनाया जाता है सिविस वाले लोगों के लिए और जो बेज या लॉरेल ट्री है उससे बना हुआ जो क्राउन है वो पोएटिक वर्क के लिए पहनाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इन सब के ये वाले क्राउन पाने के लिए लोग कितने पागल हुए जा रहे हैं। हाउ वैनली मैन देमसेल्स अमेज टू विन द पाम द ओक और बेज एंड देयर अनसिस्टेंट लेबर सी क्राउन फ्रॉम सम सिंगल हर्ब और ट्री, और उनका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, अनसिस्टेंट लेबर्स मतलब बिना मतलब का लेबर, इतना हार्ड वर्क, सी क्राउन फ्रॉम सम सिंगल हर्ब और ट्री, किस लिए है, सिर्फ क्राउन पाने के लिए जो किसी सिंगल हर्ब और ट्री से बना हो, किसी पेड़ से या उसकी छाल से बना हो, उसको पाने के लिए ये लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना लेबर कर रहे हैं। एंड देयर अनसिस्टेंट लेबर सी क्राउंड फ्रॉम सम सिंगल हर्ब, क्या कर रहे हैं, इतना लेबर क्यों कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ एक पेड़ से उसका क्राउन जो बनता है उसको पाने के लिए। तो यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, ये लोग अपना अपना काम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी हैप्पीनेस, टेम्प्ररी हैप्पीनेस पाने के लिए और थोड़ी सी खुशी पाने के लिए, थोड़ा सा जो है इस समाज में फेम प्रसिद्धि पाने के लिए ये सब अपना अपना इतना वर्क लोड ले रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। फिर क्या है, हुज शॉर्ट एंड नैरो वर्ज शेड डज प्रूडेंटली देयर टॉयलेस अपब्रेड, वो कह रहे हैं ये जो पेड़ की जो क्राउन है वो आपको प्रॉपर परमानेंट खुशी नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ उसको सिंबॉलिक कैसे बताया है, हुज शॉर्ट एंड नैरो वर्ज शेड डज प्रूडेंटली देयर टॉयलेस अपब्रेड, कि ये जो क्राउन है इनको पहनने के बाद आपको हो सकता है थोड़ी सी छाया मिल जाए, जो है थोड़ी सी शेडो मिल जाए। डस प्रूडेंटली देयर टॉयलेस अपब्रेड, पर परमानेंट आपको इससे शेडो नहीं मिलेगी, आप उसके शेल्टर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हो, इन क्राउन के शेल्टर में। तो यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग यही है कि आप अगर फेम पा भी लोगे, प्रसिद्धि पा भी लोगे, आपको खुशी मिल भी जाएगी, तो ऐसा थोड़े ना वो आपके साथ स्टिक हो जाएगी, एकदम चिपक जाएगी कि भाई अब तो मैंने ये ताज पहन लिया है, मुझे फेम मिल गया है, मैं एक बहुत ज़्यादा फेमस पॉपुलर पर्सन बन गया हूँ, अब तो मैं यहीं रहूँगा, ऐसा नहीं है। टाइम सबका आता है, है ना, कभी कोई किंग बनेगा तो कभी कोई किंग बनेगा, कभी अमिताभ बच्चन का टाइम चलेगा तो कभी शाहरुख खान का चलेगा, ठीक है, कभी सलमान खान का चलेगा तो कभी आमिर खान का चलेगा, ऐसे टाइम सबका आता है ना। ऐसा नहीं है कि जो इंसान एक बार जिस गद्दी को उसने प्राप्त कर लिया, जहाँ बैठ गया तो वहाँ बैठा ही रहेगा, उससे चिपक गया, उसको कोई हटा नहीं सकता है। कभी नरेंद्र मोदी का टाइम है, अभी मोदी जी का टाइम चल रहा है तो मोदी जी का टाइम चल रहा है, कभी किसी और का भी आएगा, ऐसे भी कोई और भी होंगे जो जिनका टाइम आएगा। तो यही कहने का मतलब है कि आप सोचते हो जब आपको कुछ मिल जाता है तो आप क्या सोचते हो, और आप में इतना प्राउड, यहाँ पे देखो आप अगर इस पोएम को समझोगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आएगी कि इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि इंसान मेहनत नहीं करे और वो काम करना छोड़ दे प्रसिद्धि पाने के लिए, नहीं, आप काम करो, बहुत काम करो, आप अपने आप को अच्छा बनाओ, फेमस बनाओ, पर आप अपने आप में एरोगेंट मत बनो, आप ये नहीं सोचो कि हमारे को प्रसिद्धि मिल गई दैट मीन्स हम इस जगह हैं और हमारे से सब सबॉर्डिनेट है, हम सबके ऊपर हो गए हैं, सब हमारे से नीचे है, अगर और हम इंसान हैं, हमारे में ये चीज़ आए बिना नहीं रहती। तो इनका कहने का मीनिंग यही है कि आप जो है ये टेम्प्ररी खुशी के लिए इतना ज़्यादा खुद को एरोगेंट में मत लाओ, ये खुशी आज आपके पास है तो किसी और के पास कल होगी, डेफिनेटली होगी, आपके साथ स्टिक नहीं होगी ये। तो यही बोल रहे हैं, देखो, हुज प्रूडेंटली देयर टॉयलेस अपब्रेड, इसकी जो छाया है क्राउन की वो ज्यादा देर तक नहीं रहती है। उसके बाद वाइल ऑल फ्लावर एंड ऑल ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्लैंड टू रिपोज,
और गार्डन में क्या है, सभी फूल और सभी ट्रीज आपस में पास आके तुम्हारे लिए कोई ना कोई गार्लैंड बनाते हैं, माला बनाते हैं तुम्हारे लिए टू रिपोज. फिर देखो, फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हियर. जो गार्डन है, फर्स्ट स्टेंजा में तो इन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो लोग हैं मिलिट्री वाले, सिविस वाले या जो है पॉलिटिक लोग, इनको बताया है. बाकी वो सभी की बात कर रहे हैं जो लोग एरोगेंट पे आ जाते हैं. इन सब को चाह है खुद की प्रसिद्धि की, है ना. ये सब चाहते हैं कि हम जो ओक ट्री है, जो पाम ट्री है, जो लॉरल या बेस ट्री है, उससे बना हुआ ताज पहने. पर इनको नहीं पता है कि इनकी जो खुशी है वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं रहनी है. और फिर उसके बाद में लास्ट की दो लाइन में बता रहे हैं, वाइल ऑल फ्लावर्स एंड ऑल ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्लैंड टू रिपोज. कि गार्डन में सभी फूल और पेड़ आपस में क्लोज हो जाते हैं वीव, बुनने के लिए माला, है ना. गार्लैंड मीन्स माला, बुनने के लिए टू रिपोज, है ना. उनके लिए माला बुनने के लिए एक जैसे हो जाते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट स्टेंजा में बात करें, फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हियर. क्वाइट मतलब शांति. फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हियर, कि मुझे सिर्फ शांति इसी जगह पे मिली है. इसी जगह इन द सेंस गार्डन में, गार्डन मीन्स नेचर में. फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हियर. दी मतलब यहीं पे, दी मतलब ये यहाँ सिम्बॉलिक जो है पर्सोनिफिकेशन कर रहा है गार्डन का, उसको खुद उसको कॉल कर रहा है कि सिर्फ मुझे यहीं पे शांति मिली है. उससे आप कह सकते हो कि बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली. फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हियर एंड इनोसेंस दे सिस्टर डियर. इनोसेंस दे सिस्टर डियर, और जो तुम्हारी सिस्टर है, यहाँ प्रॉपर पर्सोनिफिकेशन किया गया है. किस किस को सिस्टर बताया गया है, शांति को, क्वाइट को और इनोसेंस को, दोनों को बहने बताया गया है. और पोएट बोल रहा है कि मुझे शांति सिर्फ नेचर में मिली है, गार्डन में मिली है, और उसकी जो सिस्टर है एंड इनोसेंस दाय सिस्टर डियर, वो भी मुझे यहीं मिली है. ठीक है, मतलब मैं जब गार्डन में आया, जब मैं नेचर के पास आया, नेचर ब्यूटी मैंने देखी, तो मुझे शांति मिली और उसके साथ मुझे इनोसेंस भी मिली. फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हियर एंड इनोसेंस दाय सिस्टर. दाय मतलब मैंने आपको बताया ना, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है यहाँ पोएट. तो एक तो सिस्टर बता रहा है, एक कॉल कर रहा है गार्डन को, नेचर को कॉल कर रहा है कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो भी यही है, है ना. मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन. इतने टाइम से मैं क्या मिस्टेक कर रहा था, मिस्टेकन लॉन्ग, इतने लंबे टाइम से मैं क्या मिस्टेक कर रहा था. आई सॉट यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था. आई सॉट यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था. देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन. बिजी कंपनीज ऑफ मैन इन द सेंस अपनी सोसाइटी, सोसाइटी के बीच में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था. किसको? इनोसेंस को और क्वाइट, शांति को. फेयर क्वाइट और इनोसेंस को ये कह रहा है पोएट कि मैं कितनी बड़ी, कितने टाइम से मिस्टेक करे जा रहा था कि मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा था, सोसाइटी के बीच में, जहाँ बिजी लोग रहते हैं उनके बीच में देख रहा था, जहाँ लोग जो है पूरे टाइम बिजी रहते हैं, अपने काम में जाए जा रहे हैं, उनके बीच में मैं तुम्हें देख रहा था. कितनी बड़ी मिस्टेक मैं कब से करता आ रहा हूँ. देखो फिर से, फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हियर एंड इनोसेंस दाय सिस्टर डियर. मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था. इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन, बिजी कंपनीज ऑफ मैन इन द सेंस जो बिजी लोग हैं उनके बीच में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था. योर स्कैडर प्लांट्स इफ हियर बिलो ओनली एमंग द प्लांट्स विल ग्रो. योर स्केयर्ड प्लांट्स, जो तुम्हारे प्लांट्स हैं, इफ हियर बिलो ओनली एमंग द प्लांट्स विल ग्रो. तो सिर्फ वही प्लांट्स जो हैं ग्रो होंगे, है ना, जो तेरे पास जो आ जाएगा सिर्फ वही ग्रो हो पाएगा, उसी का ग्रोन अप हो पाएगा. योर स्केयर्ड प्लांट्स इफ हियर बिलो ओनली एमंग द प्लांट्स विल ग्रो. सोसाइटी इज ऑल बट रूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड. जो सोसाइटी है वो बिल्कुल रूड है, बिल्कुल टेम्प्ररी हैप्पीनेस के लिए भागे जा रही है. ऑल टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड, पर ये जो डिलीशियस सॉलिट्यूड है, सॉलिट्यूड का भी यहाँ आप बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन कर दिया, सॉलिट्यूड को डिलीशियस बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि जो सॉलिट्यूड है वो क्या है, सोसाइटी इज ऑल बट रूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड. कि सोसाइटी का डिलीशियस सॉलिट्यूड जो है वो मिस, सोसाइटी को जो डिलीशियस सॉलिट्यूड है वो सिर्फ गार्डन में ही मिल सकता है, है ना. तो ये जो है आज हमने दो उसके जो स्टेंजाज है वो कंप्लीट कर लिए.
उसके अलावा हमने इसकी शॉर्ट समरी पता कर ली. अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसके जो रिमेनिंग स्टेंज है उन पे बात करेंगे. आई होप आपको ये पोएम समझ आ रही होगी. दिस पोएम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएम. बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग पोएम है ये. आप इसका टेक्स्ट जो है मोबाइल में निकाल लें, उसके बाद ही देखें पोएम. थैंक यू.